अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करूँगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑल्सो वेरीफाई द आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे देखें सॉल्यूशन सेट का वर्ड यूज़ हो रहा है, मींस कि यहाँ पे देखें ये एक जो है वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएंगी आपके पास, क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन कह लें या इरेशनल इक्वेशन कह लें आप, क्योंकि ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट का जब भी आपके पास वर्ड आएगा, मींस के यहाँ पर इस इक्वेशन में आपके पास जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, और जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू आएगी फिर उसकी मदद से आपने अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो ठीक है या नहीं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को दोबारा इधर कॉपी कर लिया। अब ये देखें, ये जो रूट्स हैं आपके पास, इन रूट्स को रिमूव करने के लिए जो आप इधर मेथड यूज़ करेंगे वो होगा स्क्वायरिंग मेथड। यानी कि जब आप इन दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे तो दोनों साइड पर स्क्वायर लेने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, ब्रैकेट के बाहर जो है वो आप स्क्वायर लगाएंगे इस तरह, यानी कि यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ होगी आप उसको विद इन ब्रैकेट कर देंगे और बाहर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट, याद रखिएगा, स्क्वायर रूट रिमूव करने का यही एक मेथड होता है कि आप वहाँ पर स्क्वायरिंग कर दें। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। जब तक हम इसके से स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव नहीं करते, जब तक उस हम जो है वो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, इसलिए सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पर रूट्स को ख़त्म किया। ठीक है, अब ये देखें, राइट हैंड साइड पे भी आपके पास वेरिएबल वाली टर्म मौजूद है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें एक साइड पे कर लेंगे, यानी कि हम वेरिएबल वाली टर्म एक साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उन्हें एक साइड पे कर देंगे। अब ये देखें, इज इक्वल्स टू के इस तरफ है 3x, यानी कि राइट हैंड साइड पे मौजूद है। जब ये अपनी जगह तब्दील करेगा या अपनी साइड चेंज करेगा तो ये साइन भी चेंज करेंगे। देखें, इस वक्त 3 का साइन क्या है, प्लस। अब जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, ये देखें, इज इक्वल्स टू इसी तरीके से बीच में आ जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी 7 मौजूद है, वो 7 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें क्या है, माइनस 5। अब ये भी अपनी जगह तब्दील करेगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखें, प्लस 4x और माइनस 3x तो ही क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, 1 आप लिखते नहीं हैं। 7 एंड 5 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अगर सॉल्यूशन सेट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं आंसर को। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ हम चलेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ऑल्सो वेरीफाई दी आंसर्स, यानी कि आपने जो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट फाइंड किया है या जो एक्स की वैल्यू आपने निकाली है वो सही है या नहीं, तो वो किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखें, जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन आप दोबारा नीचे उतारेंगे, 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x प्लस 7। अब यहाँ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये जिस पोजीशन में मौजूद है इसको वैसे ही रखना है।
एक्स की जगह आप क्या करेंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो गया है 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप एक्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करें, ये देखिए 12 फोरजा क्या हो जाएगा 48, और ये क्या हो जाएगा 12 थ्री 36। किसी भी चीज़ को आप जो है वो राइट से लेफ्ट शिफ्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ जहाँ मौजूद है राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पे वो वहीं रहेगी और वहीं सॉल्व होगी। अब ये देखिए 48 में से आप 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 43 इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए प्लस 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 36 और 7 कितने हो जाएंगे, ये भी 43 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर इस तरीके से आपका आंसर इक्वल आ गया मींस कि आपने जो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर यह है 3 अंडर रूट वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को आप कॉपी कर लें। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी देखें आपको जो है वो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे भी। तो किस तरीके से करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखें इस पूरी टर्म पे जो भी कुछ यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये जो अंडर रूट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इस अंडर रूट के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी वेरिएबल होगा, कुछ भी, तो आप उसको पूरा एक साथ कंसीडर करेंगे। ये देखें, या आपने इस पर ब्रैकेट बनाया और बाहर स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट और ये स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखें, अब ये डायरेक्ट ऐसे ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 है ये स्क्वायर इस 3 का भी है और ये स्क्वायर इस अंडर रूट वाई का भी है। ठीक है, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। ये देखें इस तरीके से आप इसको जो है वो कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे देखें 3 का क्या हो जाएगा, 3 पे स्क्वायर का मतलब 3 को आप जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे 3 के ऊपर स्क्वायर, मींस आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वाई। इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी रूट के साथ कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, जो कुछ भी है, और अगर बाहर स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस रूट से पहले जो बाहर वाला नंबर है जो इसके साथ अटैच है, सबसे पहले आप उसकी जो है वो स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि उसको जो 2 बाहर है उसको उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आएगा सबसे पहले आप वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करेंगे तो ये जो अंदर वाला वेरिएबल होगा ये आप इसके साथ यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये क्या हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब ये देखें आपको y की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो 9 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, देखिए एक बात जहन में रखिएगा, अगर आप वेरिएबल अगर एक साइड पर देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाएं दोबारा, अगर कोई चीज़ यहाँ प्लस हो रही है तो वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, अगर कोई चीज़ यहाँ माइनस हो रही है तो वो दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस के केस में क्या होगा, जब जगह तब्दील होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे,
लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात आप सिर्फ जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका जो है वो आंसर आ गया, या ये आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हो गया, एक काम करते हैं इसको आप यहाँ पे कैंसिल ही कर दें, कहीं आप इसको भी क्वेश्चन का हिस्सा समझ लें, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो इस स्टेप के बाद जो है वो आप डायरेक्ट ये स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, यहीं पे कर लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, आपको किसी साइड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही कॉपी करेंगे। अब ये देखें, जो आपने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, ये देखिए 4/9, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 एज इट इज़ रहेगा बाहर। अब ये देखें, 4 की जगह आप क्या लिखेंगे, ये देखें ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। और ये देखिए, यहाँ पे 2 के पास जो है वो कोई वेरिएबल या कोई और जो है वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो 2 जो है वो एज इट इज़ आप नीचे लिखते चले जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया, इनको ब्रेक कर दिया या इनके मल्टीपल्स बना दिए। 4 का अगर आप LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और इसी तरह 9 का आप LCM ले लेंगे तो 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। ये देखिए, ये 2 पेयर बन गए, ये समझ लें ये आ गया। इसी तरीके से अगर आप 9 का LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 2 एक जैसे नंबर रूट के अंदर होंगे तो वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर बन के रूट से बाहर चले जाते हैं। तो ये देखें, अब रूट तो हट जाएगा क्योंकि ये पेयर बन चुके हैं, तो हम इस तरीके से ब्रैकेट बना लेंगे ताकि वो 3 से जो है वो सेपरेशन शो करें। तो ये ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज़ इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका आंसर वेरीफाई। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन सेट आपने यहाँ पे फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है, वाई की वैल्यू 4/9 है, ठीक है। इस तरीके से वेरीफिकेशन से जो है वो आप अपना आंसर खुद ही चेक कर लेंगे कि आपने जो भी वैल्यू कैलकुलेट करी है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।